बच्चों जल्दी से अपना दो नंबर फिक्स कर लो टू मार्क्स का सवाल पक्का कॉइल चोक कॉइल क्या होता है तो कॉइल इज एन इंडक्टर चोक कॉइल एक इंडक्टर होता है एक इंडक्टर होता है विच इज यूज टू रिड्यूस ए सी ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कम करने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू घटाने के लिए हम यूज करते हैं एक इंडक्टर हम यूज करते हैं एक इंडक्टर उसी को हम बोलते हैं चोक कॉइल पासिंग थ्रू अ सर्किट विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी तो इंडक्टर के थ्रू हम अल्टरनेटिंग करंट को कम कर सकते हैं बिना एनर्जी का लॉस किए आइए देखते हैं कैसे अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को घटाने के लिए रेजिस्टर का यूज करेंगे तो रेजिस्टर के केस के में मेरा एनर्जी लॉस हो जाएगा किस फॉर्म में हीट के फॉर्म में तो रजिस्टर के केस में देर इज अ पावर लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट पर इंडक्टर के केस में पावर लॉस नहीं होता है करंट कम भी हो जाएगा पर पावर लॉस नहीं होगा यहां करंट कम होगा पर पावर लॉस होगा हीट के फॉर्म में पर यहां करंट कम होगा विदाउट मच लॉस इन पावर कैसे ये देखिए कॉस फाइ आर बाई जेड और यहां पर जेड को हम क्या लिख सकते हैं इंपिडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर मान लो वायर का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है आर और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल तो इंपीडेंस को मैं इस तरह से लिख सकता हूं अब यहां पर क्या होगा बच्चों हमको यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस बहुत हाई रखना है सेल्फ इंडक्टेंस हाई तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई तो पावर फैक्टर लेस पावर फैक्टर लेस तो पावर वेरी वेरी लेस वेरी लो पावर लॉस वेरी लो पावर लॉस इसी को आपको अपने शब्दों में लिख देना है आई रिपीट जितना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस उतना ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस जितना ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना कम पावर फैक्टर जितना कम पावर फैक्टर जितना कम पावर फैक्टर उतना कम पावर लॉस उतना कम पावर लॉस मिलते हैं अपने अगले शॉट पे